नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली करंट अफेयर में। डेली इसमें देखते हैं हम लोग बेस्ट करंट अफेयर देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। जितनी भी साइट और सब जगह से मैं ढूंढ के लाया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हिंदी में रहेगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा ओनली करंट अफेयर वाले चैनल में, डेली के डेली देता हूँ। और प्लीज़ आप लोग इसको वीडियो को देखने से पहले सबसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज का चालू करते हैं। सबसे पहला ये आज देखिए मैंने और इम्प्रूवमेंट किया है, बताइएगा कि सब ठीक है कि नहीं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, किस महिला खिलाड़ी ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया? ये किसने दिलाया है? ये दिलाया है राही सरनोबत ने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये जो राही सरनोबत हैं ये महाराष्ट्र की हैं, ये भी पूछा जा सकता है, तो जरूर याद रखिएगा, ये एक महिला भारतीय निशानेबाज हैं। नेक्स्ट है, इसमें किस राज्य ने सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करने पर, मतलब किसी भी तरह का अपमान करने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया है? ये किया है पंजाब ने। ठीक है, पंजाब ने किया है, और इन्होंने जो यहाँ का मंत्रिमंडल है IPC में धारा 295AA को शामिल करने की मंजूरी दी, और इसमें ये बोला गया है कि किसी ने भी अगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब या फिर भगवद गीता या फिर कुरान और पवित्र बाइबल को किसी भी तरह से ठेस पहुँचाया तो उसको उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें किस अभी बिहार का राज्यपाल बनाया गया? देखिए आज 7 राज्यपालों का जो है अदला बदली हुई थी, जो बिहार का राज्यपाल किसको बनाया गया? लालजी टंडन को। देखिए ये हर पेज में हमारा जो टेलीग्राम की लिंक है यहाँ पे PDF मिल जाएगी डेली। ये जो चैनल है सिर्फ ओनली करंट अफेयर्स के लिए, सिर्फ करंट अफेयर यहाँ पे मुद्दा है, जितने भी नॉन UPSC स्टेट PCS एग्जाम है, SSC रेलवे, सभी के लिए। ठीक है, देखिए 7 ये जो नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं उनका नाम आप देख सकते हैं। सत्यपाल मलिक को बनाया गया जम्मू कश्मीर का, तथागत रॉय को बनाया गया मेघालय का, लालजी टंडन को बनाया गया बिहार का, गंगा प्रसाद को बनाया गया सिक्किम का। सब एग्जैक्टली एक एक चीज़ फैक्ट लिखा है। कप्तान सिंह सोलंकी को त्रिपुरा का, सत्यदेव नारायण आर्य को हरियाणा का, बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड का। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बात है बस वही मैंने बताई है यहाँ पे, कोई भी फालतू फालतू बात नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के चंद्रयान 1 द्वारा जो भेजे गए आंकड़ों के आधार पर चंद्रमा पर बर्फ होने की पुष्टि की है? नासा ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व सेना प्रमुख को 17 अगस्त 2018 को अमेरिका के लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है? दलबीर सिंह सुहाग इनको किया गया है, और ये इंडियन आर्मी में 1946 में जनरल राजेंद्र सिंह जडेजा के बाद ये पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय सैन्य अधिकारी बन गए हैं। ठीक है, दलबीर सिंह सुहाग, इनसे पहले किसको मिला था? राजेंद्र सिंह जडेजा को। वैसे अगर आप देखें लीजन ऑफ कमांडर 4 डिग्री में दिया जाता है, डिग्री ऑफ चीफ कमांडर, डिग्री ऑफ कमांडर, डिग्री ऑफ द ऑफिसर और डिग्री ऑफ द लीजन आयर। ये PDF आपको मिल जाएगी, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, इसमें किस राज्य सरकार ने जो दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में 279 किलोमीटर चार लेन का ये नाम अटल पथ रखने का फैसला किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया ये। नेक्स्ट है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्वविदों ने एक दल ने अफ्रीका के किस देश में, केन्या में खोजा एक कब्रिस्तान खोदा है 5000 साल पुराना करीबन, और इसका नाम है लोथागम नॉर्थ पिलर साइट का पता लगाया है, जिसमें इस क्षेत्र का शुरुआती और सबसे बड़ा जो है कब्रिस्तान बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, इसमें किस राज्य के होटल संघ ने खाना पैक कराने के लिए, देखिए खाना पैक कराने के लिए अपने बर्तन और बैग ले जाएंगे तो 5% जो है बिल में छूट की वो घोषणा की, वो है तमिलनाडु। और इसके बाद देखिए कुछ वन लाइनर मैंने दिए हुए हैं, ये नया यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है कि देखिए पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता जो गुरदास कामत हैं उनका निधन हो गया है, तो ये क्या थे? गुरदास कामत ये कांग्रेस के नेता थे। फिर आम आदमी पार्टी का एक नेता है आशीष केतान, इसने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, फिर इसराइल के प्रसिद्ध पत्रकार और पीस एक्टिविस्ट उरी अवनेरी का जो है ये निधन हो गया, ये इसराइल के बहुत फेमस थे, तो ये पूछ लिया जाए अगर कि उरी अवनेरी क्या थे, इसराइल के बहुत ही फेमस पत्रकार। अब देखिए आज के सवाल, आप लोग क्वेश्चंस का प्लीज़ आंसर दिया करिए, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे फिर नहीं मज़ा आएगा, तो क्वेश्चंस का आंसर दीजिए डेली के डेली। आपके देखिए कल के उत्तर बता दे रहा हूँ, कल ये क्वेश्चन पूछा था, खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में हालिया प्रगति पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था क्राफ्ट पीटी, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था तमिलनाडु। इसकी थीम क्या थी? डबलिंग फार्मर इनकम थ्रू फ्रूट प्रोसेसिंग। और फिर ये 3 और क्वेश्चन पूछे थे, एसओ अल्बेन जिन्होंने भारत का पहला जूनियर साइकिलिंग वर्ल्ड कप जीता है ये किस प्रदेश से? अंडमान निकोबार से हैं। फिर ये IIT खड़गपुर ने जो है जल संसाधनों को भरने और फिर जीवित करने के लिए एक नए
एक पुनः जल शोध केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इब्राहिम बाउबकर क्या हैं, ये अफ्रीका के हैं, आपके सॉरी माली के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आज के क्वेश्चन सुन लीजिए, जल्दी से आप आंसर देने की कोशिश करिएगा, देखते हैं किसके आते हैं। जिसके भी सबसे ज़्यादा पांचों सही हुए उसका जो कमेंट है वो टॉप में लूँगा और उसका कल मैं नाम लूँगा, ठीक है। एक बंदे का डेली यहाँ पे नाम लिया जाएगा और जो टॉप पे करेगा सब सही सवालों के जवाब देगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, जकार्ता एशियाई खेलों में भारत का शूटिंग मेडल किस गोल्ड मेडल कितने जीता है। नेक्स्ट है इसमें विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें ट्रेड प्लेटफॉर्म पर लेन देन करने के लिए इनमें से कौन सा मतलब जो है कौन सा जो पहली सार्वजनिक क्षेत्र इकाई PSU है। फिर नेक्स्ट है इसमें WHO विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार किसको दिया गया है। और सबसे लास्ट में किस देश की राष्ट्रीय टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन का महिला चैंपियनशिप जीती है, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐसा दिखेगा ये ग्रुप ओनली करंट अफेयर, और ये है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आपको PDF वहीं पे मिल जाएगी और क्वेश्चंस के आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और लास्ट में एक बात और है कि डेली अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यहाँ पे देखिए लाल कलर का जो बटन है इसको आप दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे टेलीग्राम में जो ये वाला है यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। बस ये दो काम करने हैं, सब कुछ फ्री रहेगा हमेशा।